जय श्री राधे। अभी कुछ दिन पूर्व एक कॉलेज के विद्यार्थी से मेरी भेंट हुई। मैंने उससे पूछा, बेटा पूजा पाठ करते हो? उसने तपाक से जवाब दिया कि गुरुजी हम नास्तिक हैं, हम भगवान भगवान नहीं मानते। तो मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम नास्तिक हो? ये शब्द सुनकर ही मानो बचपन का मेरा स्वप्न साकार हो गया हो, क्योंकि मैं बाल्यकाल से लेके और आज तक भागवत की मेरी 26 वर्ष की यात्रा में मानो मेरा अन्वेषण पूर्ण हो गया, मेरी खोज पूरी हो गई। मैं केवल बाल्यकाल से लेकर अब तक ये ढूंढ रहा था कि मुझे इस भारत में 125 करोड़ के देश में एक नास्तिक मिले, और आज तुम मिल गए हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें बधाई देता हूं कि तुम नास्तिक हो। तो भैया नास्तिक हो तो नास्तिक के विषय में जरा मुझे जानकारी दो कि नास्तिक कौन होते हैं। पहले तो नास्तिक की परिभाषा बताओ, नास्तिक कहते किसे हैं? बोले जी मैं भगवान को नहीं मानता जी। तो मैंने कहा, बेटा भगवान को मानना न मानना ये तो अलग मैटर है। अब मैं सूर्य को नहीं मानता, पर मैं सूर्य के ताप को तो उपभोग कर रहा हूं। मैं जल को नहीं मानता, पर जल मैं पी रहा हूं। मैं ऑक्सीजन को नहीं मानता। तो कोई किसी वस्तु को माने न माने ये उसके व्यक्तिगत मान्यता है, पर उसका नास्तिकता से क्या संबंध है? नास्तिक शब्द का अर्थ क्या है? नास्तिक शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस, या फिर अगर स्थूल शब्द में कहो तो मूर्खता, अज्ञानता, यानी आजकल की भाषा में बोलो तो भटका हुआ, संशयग्रसित, संशयग्रस्त। शब्द पर ध्यान दीजिए, नास्तिक शब्द किससे बना? न अस्ति यानी नहीं है, न अस्ति की अवधारणा को जो मानता हो यानी नहीं है, यानी जो ये ज्ञान रखता हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मैंने देख लिया है कि, और संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर मैं इस विश्लेषण पर पहुंचा हूं कि इस ब्रह्मांड का कोई अधिष्ठान पुरुष, कोई ईश्वर, कोई नियंता नहीं है। तो जिसको ये पता हो कि पूरे ब्रह्मांड का मैंने अवलोकन कर लिया है, मैंने खोज कर लिया है और इस कंक्लूजन पर मैं पहुंच गया हूं कि भगवान नहीं है, तो जिसने देख लिया हो, तो क्या तुमने देख लिया? भाई असली नास्तिक वही तो हुआ ना जो सर्व के अभाव, यानी जो समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करके और फिर ये पता लगाए कि सर्व का अभाव, यानी अब यहां कोई भगवान नहीं है, यानी मैंने सब भ्रमण करके देख लिया, विश्लेषण करके कि यहां कोई भगवान भगवान नहीं है। तो जिसको ये पता हो, यानी सर्व के अभाव का जो दृष्टा बने, तो क्या तुम दृष्टा बन गए हो? तुमने देख लिया, इसका मतलब तुम अज्ञानी हो, तुम मूढ़ हो, तुम भटके हुए हो, तुम्हें ये नहीं पता है, तुम्हें अपने मस्तक पर ये खड़ा एक बाल का रहस्य नहीं पता कि आखिर ये बाल काले से सफेद कैसे हो रहा है, तुम्हें ये नहीं पता कि शरीर में 72,000 नाड़ियां कैसे क्रियान्वित हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा हृदय बिना किसी सहयोग के रात दिन धड़क रहा है, तुम्हारी धमनियों में रक्त का प्रवाह रात दिन चल रहा है, पर तुम्हें ये सब नहीं पता। अब तुमने कह दिया मानते नहीं, तुम्हारे मानने न मानने से क्या ये सारे कार्य बंद हो जाएंगे? तुम सूर्य को नहीं मानते हो, उल्लू को सूरज दिखाई नहीं देता है। दो उल्लू आपस में बात कर रहे थे कि भैया हमने सुना है कि वो सूर्य होता है बड़ा उजाला, पर हमने तो नहीं देखा। पर तुम्हारे न देखने से क्या सूर्य नहीं है? सूर्य तो अपने स्थान पर है। तुम्हारे न मानने से क्या चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा तो है। तुम्हारे न मानने से क्या समुद्र नहीं है? समुद्र तो है। तो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश सब कुछ है, पर तुम मानते नहीं हो। तो केवल तुम्हारे न मानने से तुम नास्तिक थोड़ी बने हो। हमारे सूरदास जी ने क्या कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो को नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान इतना कुटिल, इतना खल दुष्ट और इतना कामी कौन होगा? जातन दियो ताई बिसराय, जिसने ये तन दिया है उपभोग करने के लिए, आनंद लेने के लिए, संसार का अवलोकन करने के लिए, विषयों का सेवन करने के लिए, ये आंख, नाक, कान, शरीर, हृदय, ये सब कुछ जिसने दिया, ताही बिसराय उसी को भूल गया, तो ये मैं नास्तिक नहीं हूं। ऐसा को नमक हरामी, अरे जीव तू नमक हराम है। तो भैया तुम नास्तिक नहीं हो, तुम नमक हराम हो सकते हो। हा? कुछ लोगों को ये शब्द अपशब्द लगेगा, पर ये सूरदास जी के शब्द हैं, तो मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। भैया देखो, नास्तिकता का ढोल केवल वो पीट सकता है
जो पहले होने का दावा करे, क्योंकि नहीं है, नहीं के बाद है। तो जिसको है का पता हो उसी को तो नहीं होने का पता होगा। यदि मेरे हाथ में कोई गेंदे का पुष्प हो और मैं कहूं यह गुलाब का पुष्प नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि यह गुलाब का नहीं है, पर गुलाब नाम का कोई पुष्प होता होगा, तभी तो मैं इसको मना करूंगा कि भैया ये गुलाब का तो नहीं है, ठीक है कोई और पुष्प है, गेंदे का नाम भले ही मुझे ना पता हो पर ये गुलाब नहीं है, तो गुलाब मैं जानता हूं। तो जिसको आप जानते हो उसी को, तो किसी सास ने बहू को कहा कि बहू रसोई में जाओ सॉल्ट ले आओ। अब बहू गांव की थी, उसको इंग्लिश में कहा सॉल्ट ले आओ, तो बहू ने सोचा कि रसोई में जाके देखा तो एक जार में नमक है, एक जार में चीनी है, उसको लगा कि सॉल्ट का देहाती में तो नमक ना हो तो सॉल्ट शायद ये बगल वाला ही होगा, तो एक में दिखने में एक जैसा, एक में चीनी, एक में नमक, एक में सोडा, तो थोड़ा सोडा ले आई। और लाके कहा सासू जी ये क्या ले आई? बोले आपने जो कहा था। अरे हमने सॉल्ट कहा था। बोले ये क्या चीज? बोले तो सोडा ले आई, खाने का सोडा। अर्थात जिसको ये पता ही ना हो तो उस विषय में उसको क्या पता कि वो माने कि ना माने। और चीनी को वो जानती ही नहीं, तो चीनी को मैं मानता नहीं, पर मानने के लिए जानना जरूरी है ना, तो जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। तो ठीक उसी प्रकार इस नास्तिक शब्द के लिए मैं कहूंगा कि भैया पहले, सबसे पहले हम किसी भी ब्रह्मांड में किसी वस्तु को यदि हम नहीं जानते हैं, तो जानने का पहले एक बड़ा सहज उपाय होता है कि किसी सदगुरु के शरण में जाकर उनकी मान्यताओं को स्वीकार करना, मानना। जब तक मानोगे नहीं। और एक और उपाय है कि जो लोग धर्म की निंदा करते हैं उनसे अपनी थोड़ी सी दूरी बना के रखना, है ना। ये लोग नास्तिक तो नहीं, तो होते तो मूर्ख हैं, पर अपने मूर्खता भरी बातों से हमारे अंतःकरण को मलिन कर देते हैं, है ना। प्राय आप लोग भोजन के मामले में, दृश्य के मामले में, वस्त्र के मामले में कितना ध्यान देते हैं, तो फिर करने के विषय में क्यों ध्यान देते हैं? कोई भी आया कुछ भी डाल जाए, है? एक चीनी मित्र ने, चाइना का रहने वाला, अपने भारत के किसी मित्र के लिए उसने एक अचार का डिब्बा भेजा। जानते क्या भेजा? मेढक का अचार। तो भारत वाले को तो, क्योंकि चीन में तो सब खाते हैं, उसने तो सहज भाव से भेजा कि मेरा मित्र बड़ा प्रसन्न होगा। अब भारतवासी मित्र ने जब खोल के देखा तो उसमें मेढक के अचार। बोले छी छी छी, ये क्या भेज दिया? अब उसने तो भेज दिया पर इसने तो नहीं खाया, क्योंकि कॉन्शियस था भैया, हेल्थ कॉन्शियस, मैं तो शाकाहारी हूं, मैं ये मेढक का अचार क्यों खाऊं, कुत्ते का अचार मैं क्यों खाऊं, बिल्ली का अचार मैं क्यों खाऊं, तुम खाओ, तुम्हारे देश में खाते हैं। तो जब भोजन के मामले में जब आप इतने कॉन्शियस हैं, वस्त्र के मामले में क्या पहनूं क्या ना पहनूं हम इतने कॉन्शियस हैं, तो इस कान के मामले में क्यों कॉन्शियस न बने? एतन न श्रवणीय, शास्त्र का आदेश है कि मुझे क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए इसका भी नियम होना चाहिए। इसलिए हमें जो हरिहर की निंदा करे, हम रामचरित मानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गो घात समाना। जो हरि और हरि की निंदा सुने उन्हें गो घात यानी गो हत्या का महापाप लगता है। आगे उन्होंने इतना सशक्त भाव से कहा कि काटियो तासु जीव सो बसाई, यदि बस में चले तो उसकी जीव काट दो, और श्रवण मूंद न तू चलियो पर आई, और नहीं तो फिर बस कान बंद करके वहां से दूर चले जाओ, पर हरिहर की निंदा न सुने। तो देखो जो लोग ये कहते हैं कि हम तो देख कर ही विश्वास करेंगे, तो ये भी मूर्खता है। किसी को प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, भैया जरा जल दो मुझे भैया, बस मर जाऊंगा, और उसी समय जल दिया, और जल पीते ही तृप्ति मिल गई। क्या मिला? बोले तृप्ति। तो जल तो दिखाई दिया, तृप्ति तो दिखाई नहीं दी, तो क्या तृप्ति होती नहीं है? वो जो आनंद की अनुभूति है अंतःकरण में, उसी को तो तृप्ति कहते हैं, और वो तृप्ति ही ईश्वरीय वरदान है, वही ईश्वर का प्रकाश है, वही परमात्मा है। तो इसलिए जो ये कहे कि भाई मुझे भूख लगी है, अब भूख लगी है तो भोजन तो दिखता है, पर भोजन के बाद जो तृप्ति है, जो पुष्टि है, वो तो दिखाई नहीं देती, वो तो केवल भोजन करने वाला है। उसी प्रकार जो परमात्मा को जानना चाहता हो, पहले उसे किसी सद्गुरु के चरण में बैठकर गुरु के बताए हुए नियमों को मानना होगा। और कलि काल में जानने का सबसे सशक्त माध्यम है भगवान नाम। यदि आपने नाम का आश्रय लिया तो नाम ही जना देगा।
जिसका नाम आप जपोगे वो नाम जपते 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 नाम ही स्वयं आपको एक दिन अंतःकरण में प्रकाश के रूप में जना देगा और वो चमत्कार आपके जीवन में घट जाएगी। तो इसलिए भगवान नाम का आश्रय लीजिए, सद्गुरु के चरणों का आश्रय लीजिए और निरंतर केवल भगवान का नाम जपिए। जय जय श्री राधे।